बताओ तो, हमारे देश के पास मोदी का कोई विकल्प है? अबे तुझे कितनी बार बोला है, बीमारी का विकल्प नहीं इलाज ढूंढा जाता है। तुम्हें अगर टाइफाइड है तो उसका इलाज ढूंढो, कैंसर की खोज मत करो। तुम लोगों को क्या लगता है, जो आदमी बिना सोचे समझे अच्छी खासी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाने के लिए नोटबंदी जैसा बेवकूफाना फैसला लेता है, जो आदमी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाले 135 करोड़ आबादी के देश में सिर्फ 4 घंटे की कॉल पर लॉकडाउन लगा देता है, जिस आदमी ने करोड़ों लोगों के सोचने समझने की शक्ति को हिंदू मुसलमान की आग में झोंक दिया हो, जो आदमी देश के तमाम भ्रष्टाचार के आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देता हो, जो आदमी आरोपियों को जांच और सजा से बचाकर विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाता हो, जिस आदमी ने लोकतंत्र और तमाम मर्यादाओं के तमाम मानदंडों को पैरों तले कुचल दिया हो, जो आदमी सरेआम रैलियों और सरकारी मंचों से तथ्यहीन और झूठी बातें करता हो, जो आदमी प्रधानमंत्री का कार्य छोड़कर दिन रात भाजपा के स्टार प्रचारक की तरह चुनाव में जुटा रहता हो, जिस आदमी में इतनी भी समझ नहीं कि खाली टनल में जाकर या जहाज में बैठकर बादलों से ऊपर जाकर या सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर हाथ हिलाओगे तो कौन देखेगा, जो आदमी शहीदों की चिताओं पर वोट मांगता हो, जो आदमी देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के वक्त G20 का जश्न मनाता हो, जो आदमी रेप और हत्या के दोषियों को रिहा करवाता हो और निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह करता हो, जिस आदमी ने देश को अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, भूखमरी, बेरोजगारी, हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम समेत विकास के हर पैमाने पर पाताल में पहुंचा दिया हो, तुम लोगों को लगता है कि उस आदमी का देश के पास कोई विकल्प ही नहीं है? तुम लोग क्या भारत माता को बांझ समझते हो, जो सामान्य से भी कम बुद्धि वाले एक आदमी का विकल्प पैदा ना कर सके? एक ढूंढो करोड़ों मिलेंगे। मतलब ये कि अगर कोई आदमी कोरी लफाजी, भाषणबाजी और एक्टिंगबाजी के जरिए देश का उल्लू बना रहा है, तो उसके विकल्प के तौर पर उससे बड़ा लफाज नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो ये सब ना करता हो, जो सीधी सच्ची और साफ बात करता हो। अगर कोई आदमी देश को जात धर्म के नाम पर लड़वा रहा हो, तो उसके विकल्प के तौर पर एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो सभी को एकजुट रख सके। अगर कोई आदमी सिर्फ एक आलोचना भर सुनकर थरथरा जाता हो, तो विकल्प के तौर पर ऐसे आदमी को ढूंढो जो आलोचनाओं का सम्मान कर सके। अगर कोई आदमी सवालों के डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की हिम्मत ना करता हो, तो ऐसे आदमी को ढूंढो जो सवालों का सामना कर सके। इलाज ढूंढो, बीमारी नहीं।